Praise the Lord. God's people, shalom on you. परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे हम सब लोगों को दिया है और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित का मेरा मतलब यह है कहने का कि ऑनलाइन। परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने फिर से एक बार यह अवसर दिया है, ये संभव किया है कि हम जो उसके नाम से कहलाते हैं उसके नाम से जमा हो सके। इससे पहले कि हम आज की शिक्षा को शुरू करें, चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपके बेशकीमती बहुमूल्य आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की विनतियों के द्वारा से दिया है और हमने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से पाया है। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं, आप हम में हैं। वचन की गूढ़ गहरी रहस्यमयी बातों को समझने और समझाने में आप हमारी सहायता करें, आप हम सबको इस्तेमाल करें ताकि हम वचन की सही बात को समझ सकें और उसका सही पालन कर सकें और सही शिक्षा के अनुसार हम प्रभु के सही मार्गों में आगे बढ़ सकें और हमारे जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल करके रखे। हमारी आज की शिक्षा है, आज का थीम है शांति का परमेश्वर, द गॉड ऑफ पीस। शांति का परमेश्वर, द गॉड ऑफ पीस। और ये गुण है परमेश्वर का, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका कैरेक्टर है शांति। परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है तो वहां शांति छा जाती है। ठीक वैसे ही, जस्ट केवल वैसे ही, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर किसी के जीवन में प्रवेश करता है और शांति छा जाती है जब परमेश्वर के लोग जो उसकी शांति से भरपूर है वो जब किसी जीवन में प्रवेश करते तो वहां भी शांति छा जाती है। और यही है वो बात, यही है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी रिसीविंग एंड गिविंग। और यही है वो वाली बात कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप किसी को शांति देते तो आपके पास भी शांति आती है। हमारा थीम है शांति का परमेश्वर, द गॉड ऑफ पीस। इसका रेफरेंस है रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20th, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 16वां अध्याय 20वां पद। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20th, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 पद। पौलुस लिखता है पत्री में रोम नगर की कलीसिया के लोगों को, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है ये, होता रहे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र, इमीडिएट, एट ए टाइम, ऑन द स्पॉट, शीघ्र ही, बहुत जल्दी कुचलवा देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करवा सकता है आपसे, बस आप अपने लाइफ टाइम प्रयास करें कि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने रहें। उसके अनुग्रह के द्वारा से हम परमेश्वर से वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि उस पर विश्वास करने वालों को मिले। परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से कुचलवा देगा। परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से कुचलवा देगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा एश्योरेंस है परमेश्वर की तरफ से एक विश्वासी के लिए, बहुत बड़ा। पहला योहन्ना 5:19 लेटर्स ऑफ जॉन में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5:19, पहला योहन्ना 5:19
उसका 19 पद लिखा है कि हम जानते हैं, यूहन्ना कह रहा है ये वाली बात शिष्यों को, विश्वासियों को। ये वो यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा ही रहा, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये वो यूहन्ना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, ये वो यूहन्ना है जो पतरस, याकूब, यूहन्ना के टीम का था और ये तीनों अक्सर प्रभु के साथ रहा करते थे, खास जगहों पे तीनों पाए गए, ये वो वाला यूहन्ना है। यूहन्ना कहता है कि हम जानते हैं, कह रहा हमें पता है इस बात का, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और ये जानता था इस बात को, और आपको भी इस बात का पता होना चाहिए। वो कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, पहली बात, ये कॉन्फिडेंस एक बिलीवर के पास होना चाहिए, मैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, मैं परमेश्वर से हूं, ये विश्वास एक विश्वासी को होना ही चाहिए। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में, यानी कि शैतान की गिरफ्त में पड़ा है, यूहन्ना कह रहा है ये वाली बात। और पौलुस क्या कहता है कि लिखा है कि शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पावों से शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र कुचलवा देगा। दो प्रकार के लोग हो गए यहां पे, दो प्रकार की कैटेगरी हो गई, दो प्रकार के समुदाय हो गए मनुष्यों के, एक वो जो उसके बंधन में पड़ा है जिसे वो खुद रौंदता रहता है शैतान, और एक वो समुदाय है जो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रह करके शैतान को रोंदेगा। बहुत बड़ी बात है ये, परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा। शैतान को कुचलवा देने का अर्थ ये है, इसका सही खुलासा उत्पत्ति की किताब 3:14-15 में भी ऐसा ही लिखा है। परमेश्वर ने स्त्री और सांप से, सर्प से बात की थी और यह कहा था कि मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर पैदा करूंगा, बैर पैदा करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा स्त्री का वंश और तू उसकी एड़ी को डसेगा, ये वही वाली बात है। लेकिन ये वाली बात परमेश्वर की तब पूरी होगी जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा सेकंड कमिंग में आएंगे। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो क्या तब तक ये वाली बात इंतजार करेगी, ये शांत रहेगी, ये शांत नहीं रहेगी। तब तक आप और मैं शैतान को परमेश्वर की सहायता और सामर्थ्य के द्वारा से अपने पैरों से रौंदते रहेंगे, परमेश्वर उसे रौंदवाता रहेगा। रौंदवाने का मतलब है उसे हरवाना, हमारे जीवनों में या किसी दूसरे जीवनों में उथल पुथल बचाने के उसकी जो भी प्रयास रहेंगे, जो भी उसके अभ्यास रहेंगे, सब कुछ नेस्ते नाबूद कर देना। परमेश्वर, लिखा शांति का परमेश्वर, शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। कुचलवाने का मतलब यहां पर यह है उसको हरवाना, उसको बेइज्जत करवाना, उसको लज्जित करवाना, उसको शर्मिंदा करवा देना। हर एक जीवन में शैतान के पास बहुत सारी दबी छिपी चालें हैं जो दिखाई नहीं देती है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के नीचे छिपी चट्टाने होती हैं और बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े पानी के जहाज यदि उस पर ध्यान ना देते वो उससे टकरा जाते हैं और वो छिपी हुई चट्टाने डैमेज पहुंचा देती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक वैसे ही ये वाली जो बात है कि परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा, बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में, इसी जीते जी, इसी जीवन में आपको उसे रौंदना है, उसे कुचलना है। उसे रौंदने कुचलने का मतलब क्या है कि जब आप उसकी किसी चाल में ना फंसे, जो वो आपसे चाहता है, बुरे काम, बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरे व्यवहार, जब आप उसमें ना फंसे तो आप उसकी योजनाओं को रौंदते हैं, कुचलते हैं, तब आप शैतान को नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं उसे। ये है वो वाली बात, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा, इसी लाइफ में कुचलवा देगा। अगर उसका कोई प्रोजेक्ट आपके जीवन में है, दुख का, तकलीफ का, रोग का, बीमारी का, बेरोजगारी का, असफलता का, किसी भी प्रकार का, और आप परमेश्वर की शांति में बने रहिए और उसके साथ साथ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप बने रहिए और परमेश्वर शीघ्र अपनी शांति से आपको भर करके, अपनी शांति से आपको संभालेगा और यीशु मसीह का अनुग्रह
परमेश्वर से आपको वो सपोर्ट करवाएगा जिससे कि आप शैतान को कुचल सके। उसके बहुत सारे हथियार हैं, चिंताएं, फिक्रें, तकलीफें, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, टेंशन, बहुत सारी चीजें हैं, और परमेश्वर आपके पैरों से उसे कुचलवा देगा। कई जीवन ऐसे हैं जिनके पास बच्चों को लेकर के भविष्य की चिंताएं हैं, फिक्रें हैं। यदि आप सही रीति से परमेश्वर की शांति में चलेंगे, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना अपसेट हुए, तो आप उसे रौंदते हुए निकल जाएंगे शैतान को। उसे जब हम शैतान की किसी चाल चालाकी पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हम उसे हर्ट करते हैं, तब हम उसे चोट पहुंचाते हैं, तब हम शैतान को शर्मिंदा कर देते हैं। वो चाहता है ये वाली बात कि आप और मैं अपसेट हो जाएं, हम अपसेट होकर के अपने लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार करें, हम अपसेट होकर के, दुखी होकर के, अशांत होकर के परमेश्वर पर दोष लगाएं, हम अपसेट होकर के अपने जीवन में असफल होकर के असफलता की वजह से किसी भी बुरे कारण से हम विरोध करने लगे, विवाद करने लगे परमेश्वर से। ये शैतान चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको शैतान पर विजय दिलवा सकता है उसकी उन सारी चाल चालाकियों पर, उनकी उसकी सारी दबी छिपी चालों पर, उसकी सारी उन दबी छिपी चालों पर जो हमें समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग मजबूत बने, और शैतान ये चाहता है कि परमेश्वर के लोग कमजोर बने, वो उसकी ट्रैप में फंसते रहें, वो उसकी चालाकियों में फंसते रहें, निराशाओं में, हताशाओं में, दुखी होने में परेशान हो जाते हैं बेफिजूल में। लेकिन याद रखिए आप इस बात को कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि जब आप उसकी शांति में बने रहते, जब आप विचलित नहीं होते, ऐसा करके भी आप शैतान को कुचलते हैं। हमारे और आपके सामने बहुत सारी बातें हैं, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, सेवकाई को लेकर के, देश दुनिया को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, पराए लोगों को लेकर के, जो चिंता का विषय बन जाते हैं, जो दबाव बन सकता है, जो प्रेशर बन सकता है, जो हमारे ऊपर एक ऐसा भार बन सकता है कि हमें विचलित कर दे। आपको बड़े धीरे से काम लेना है, जब आप समझ जाए इस बात को कि हाँ ऐसा हो रहा है, तब आप शांत रहिए परमेश्वर की शांति में। लिखा है शांति का परमेश्वर। आप शैतान को परमेश्वर की शांति के बगैर नहीं हरा सकते, अधीरता से आप उसको नहीं हरा सकते। जब आप गलत डिसीजन लेते हैं, आनन फानन में आप कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं, तब आप शैतान को डिफीट नहीं कर सकते। शैतान को डिफीट करने का सही तरीका है परमेश्वर की शांति में ठहरे रहिए आप। ऐसा लिखा है यशाया की किताब में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ अगुवाई करता है, रखवाली करता है, उसकी चौकसी करता है पूर्ण शांति के साथ। जब आपका और मेरा मन परमेश्वर में धीरज धरे रहेगा, जब हम परमेश्वर में धीरज धरे रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे उन बातों से जिनके उत्तर हमें नहीं मिल रहे, जो प्रार्थनाएं हमने की उनके उत्तर जब नहीं मिल रहे, तो इससे अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके भी आप शैतान को कुचलेंगे। ऐसा वो यही तो चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में थोड़ी सी देर हो जाए और आप परमेश्वर को ब्लेम करने लगे। वो यही चाहता है कि प्रार्थना का उत्तर आने में देर हो जाए और हम परमेश्वर का विरोध करने लगे, परमेश्वर को भला बुरा कहने लगे। लेकिन आपको चौकस रहना है, आपको उसे रौंदने, उसे कुचलने के लिए तैयार रहना है। उसे रौंदने कुचलने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, बुक ऑफ रेवलेशन के अनुसार, प्रकाशित वाक्य की किताब के मुताबिक, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आएंगे, इस पृथ्वी पर नया राज्य स्थापित करेंगे, तब उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाएगा। लेकिन जब तक प्रभु यीशु नहीं आते, तब तक उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसे कुचलने का दूसरा अर्थ यह भी है कि उसकी योजनाओं को आप अपने जीवन में पूरा ना होने दें, उसकी चालाकियों को भांप लिया करें आप। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम शैतान की चालों से अनजान नहीं है, उसकी चालों से पहचानिए आप। आपको निराशा में ले जा करके, हताशा में ले जा करके, आपको डिप्रेशन में ले जा करके, आपको असफलताओं में ले जा करके, अंधकार में ले जा करके, आपको तनाव में ले जा करके, वो ये बात समझाना चाहता है कि गॉड इज नॉट वर्किंग फॉर यू, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको उसी वक्त संभलना है और शैतान का सामना करना है। ये करके भी आप और मैं उसे कुचलते हैं। और एक अच्छी बात जो मुझे समझ में आई इस पद में, वो ये है कि परमेश्वर की शांति, शांति का परमेश्वर, परमेश्वर शांति के द्वारा काम करता है। हड़बड़ाहट में काम नहीं करता, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता, गफलत में कोई काम नहीं करता परमेश्वर, भावावेश में आकर के कोई काम नहीं करता, जज्बाती होकर के काम नहीं करता। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग भावनाओं में बहते हैं, जो लोग जज्बाती हैं, वे परमेश्वर के राज्य के काम को नहीं बढ़ा सकते, वे नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर के राज्य के काम को बढ़ाने के लिए धीरजवंत लोगों की आवश्यकता है, शांत दिल दिमाग के लोगों की आवश्यकता है, उनकी जरूरत है परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, जो परमेश्वर की शांति में वास करते हैं, विचलितता में नहीं,
हवा के एक ही झोंके से इधर से उधर उछाले जाए। हवा का मतलब चिंता, फिक्र, डर, परेशानी, किसी भी प्रकार की हवा चले बस उसी में बह जाते हैं। वो लोग नहीं कुचल सकते शैतान को। आपको कुचलना है अपने इसी जीवन में। कुचलने का मतलब मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको डिफीट करना है शैतान को, हराना है, उसकी कोई भी चाल आपके जीवन में पूरी ना हो और किसी के जीवन में पूरी होने ना दे। कहीं से भी शैतान कुछ भी ला करके आपके घर में ना डाल दे, आपकी फैमिली में ना डाल दे, आपके जीवन में ना डाल दे और आप अपसेट हो जाए। ये भी है उसे कुचलने का अर्थ। और ऐसा करके आप बहुत बड़ा भारी काम करेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने हमें बताया, पहला यूहन्ना 5:19 में किया रहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हमें तो पता है कि हम परमेश्वर की संतान, उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। आनंद मनाइए, आप आनंद मनाइए जिसके वश में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो रौंदा कुचलता है। उस रौंदने वाले को रौंदने का अधिकार आपके पास है, जिसने सारे संसार की नाक में दम कर रखा है। एक बिलीवर के पास अधिकार है उसके नाक में दम कर देने का शैतान के। एक विश्वासी के पास यह ताकत है, एक नया जन्म पाए हुए यीशु मसीह के शिष्य के पास ये ताकत है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के पास ये ताकत है कि जिसने सारे संसार को कुचल रखा है कलीसिया उसको कुचल दे, जिसने सारे संसार के लोगों के नाक में दम कर रखा है, उनकी नींद उड़ा रखी है, कलीसिया के पास ये पावर अथॉरिटी है कि वो उसकी शैतान की नींद उड़ा सकती है। क्योंकि शांति के परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा से आप उसे कुचल सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें मैं बताना चाहता हूं, लेकिन समय को मैं बड़े ध्यान में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि कम समय में सही बातें सामने आ सके। और ये वाली बात बहुत अच्छी बात है, इसको आप ध्यान देकर पढ़िएगा, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि मैं रोमन 16:20 को ढंग से समझना चाहता हूं, मुझे और समझाइए। जितना समझ में आ गया है, जितना मैंने समझ लिया है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, लेकिन मैं आपकी आत्मा के द्वारा इसकी और गहराई तक जाना चाहता हूं कि मैं उसे और कैसे कुचल सकता हूं। आपके पास राइट है सब, वरना सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और उस दुष्ट ने संसार को बुरी तरह से सता रखा है, रुला रखा है, दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। लेकिन धन्य हैं आप लोग, आप ही उसे कुचल सकते हैं। बस केवल कलीसिया कुचल सकती है, वरना उस दुष्ट ने पूरे संसार को रौंद रखा है, कुचल रखा है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही है जो आपको परमेश्वर से शांति पाने, परमेश्वर से बल पाने, परमेश्वर से ताकत पाने और परमेश्वर की सहायता के द्वारा से शैतान को रौंदने में आपको महारत देता है। ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने पहले भी बताया था कि प्रभु यीशु का अनुग्रह ही है। अनुग्रह एक डिवाइन सुपर नेचुरल पावर है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी ताकत है जो अदृश्य है। और एक बिल्कुल साधारण स्त्री पुरुष को ऐसा बलवंत, ऐसा बलिष्ठ, ऐसा एम्पावर्ड बना देती है कि वो अंधकार के राज्य में, आत्मिक जगत में जबरदस्त प्रभाव छोड़ता है। वो व्यक्ति जबरदस्त असर छोड़ते हैं, वो स्त्री और पुरुष जो अनुग्रह से ढपे हुए, अनुग्रह में भरे हुए हैं। अनुग्रह आपकी एबिलिटी की वजह से स्वर्ग आपके ऊपर नहीं खुलता। स्वर्ग अगर सेवा टहल करने वाली आत्माओं को आपको देगा, अगर स्वर्ग ने आपको स्वर्ग दूत दिए आपके काम आने के लिए, तो वो आपको यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से देगा, एबिलिटी के बिहाफ पर नहीं, अनुग्रह की वजह से देगा, ताकि आप पर और मुझ पर जो अनुग्रह प्रभु का है उससे आप और मैं स्वर्ग से एक नया बल प्राप्त करें। क्योंकि मान लीजिए आप मेरी बात को, आप और मैं अपने बल से शत्रु को नहीं हरा सकते, हमें उसको हराने के लिए डिवाइन स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, डिवाइन पावर अथॉरिटी की जरूरत है, और वो मिलता है बाय द ग्रेस ऑफ जीसस। क्योंकि सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जगत में आया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा से आई थी, लेकिन ग्रेस एंड ट्रुथ ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम तक पहुंचे। बहुत जल्द आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके रोजगार में, आपके आसपास के एरिया में हलचल मचाने वाले को आप कुचलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं कि आज कोई ना कोई है ऐसा जो अपने जीवन में शैतान को कुचलेगा, उसके कामों को नाश करेगा, उसकी योजनाओं को तहस नहस कर देगा। आज कोई तो है यहां पर ऐसा, क्योंकि कल रात को 11:15 परमेश्वर ने मुझे ये वाली बात बता दी थी कि उसके लोगों को ये वाली बात बता दी जाए, याद दिला दी जाए कि शांति का परमेश्वर तुमसे परमेश्वर तो उसे रौंद ही देगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर तो उसे रौंद ही देगा, ये तो मामूली सी बात है। परमेश्वर का शैतान को रौंदना बहुत छोटी बात है,
बहुत छोटी बात है, लेकिन एक साधारण स्त्री पुरुष उस बलिष्ठ को, उस ताकतवर को रौंदे, यह है बिगेस्ट बात, यह है बिगेस्ट बात, यह है बड़ी बात। याद रखिएगा, मेरे साथ निकाल लिया आप, अपनी शक्ति में अर्थात प्रभु के अनुग्रह में बने रहे आप, आपकी शक्ति आपका बल द ग्रेस ऑफ गॉड है, आप उसी में पाए जाइए, बस उससे बाहर मत निकलने का प्रयास कीजिएगा, तब आप रौंद पाएंगे शत्रु को, तब आप उसे हरा पाएंगे। रोमन्स 15:33, रोमन्स 15:33 यहां लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। अगर शांति का परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा तो डेफिनेटली आप और मैं उसे रौंदते निकल जाएंगे अपने जीवन में, कुचलते चले जाएंगे हम लोग उसको अपने जीवन में। आपकी शक्ति, शैतान पर आपका प्रभाव, शैतान पर आपकी पकड़, शैतान पर आपका दबदबा, पता है क्या है? ग्रेस। बस आप उस ग्रेस में से बाहर मत निकलिए। अगर हम उस अनुग्रह में से बाहर निकले तो गए, फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर हमारे पास कोई पावर, कोई अथॉरिटी, कोई बल, कोई शक्ति, कोई संघ साथ नहीं है। पूरी टीम मिलकर के भी प्रार्थना करें तो भी विजय नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने ग्रेस की जगह को छोड़ दिया है, जहां से हमें स्ट्रेंथन किया जाता है, जहां से हमें बलिष्ठ किया जाता है। उस ग्रेस के अम्ब्रेला में से बाहर मत निकलिए आप। क्या लिखा कि परमेश्वर का अनुग्रह, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, सबके साथ रहे, और आपकी जो पावर है, आपकी अथॉरिटी की जो जगह है, वो है अनुग्रह। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 21वें पद को देखिए क्या लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशंस 22:21, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस है ये, साथ बना रहे, उसका ग्रेस पवित्र लोगों के साथ बना रहे। आपको अपनी पवित्रता का, दिल की, दिमाग की, देह की, प्राण की, आत्मा की, लेन की, देन की, जेब की, हाथ की, सब बातों की पवित्रता का ध्यान रखना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर बना रहे, और वो अनुग्रह आपको बलिष्ठ बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, ताकि आप शत्रु को, शैतान को अपनी लाइफ में डिफीट कर सके, अपने कामों में से आप उसको खदेड़ सके, आप उसे अपनी टेरिटरी में से खदेड़ दें बाहर, आप उसे अपने अपनी सीमा में से बिल्कुल खदेड़ कर बाहर भगा दें, और वो जीवन पर्यंत कभी भी आपकी फैमिली के आसपास दिखाई ना दे, आपकी चीजों के आसपास ना दिखाई दे, आपके रोजगार के, आपके धन संपत्ति के, आपकी तंदुरुस्ती के, आपके बच्चों के, उनकी एजुकेशन के, उनके उज्जवल भविष्य के आसपास कभी फटकने ना पाए। ऐसा करना आप बने रहिए उसमें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ही बस केवल शैतान को हरा सकता है, आप और मैं नहीं, केवल और बस केवल प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ही शैतान को हरा सकता है, आप और मैं शैतान को नहीं हरा सकते। इसीलिए आपको और मुझे उसके अनुग्रह में बने रहने की सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपको संभाल के रखे, प्रभु आपको आशीष दे, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप उसके अनुग्रह में बने रहें, ताकि आप और ज्यादा ताकतवर हो सकें अपने जीवन में शत्रु को डिफीट करने के लिए, उसे हरा देने के लिए। चलिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपसे ये विशेष प्रार्थना करता हूँ, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो बाद में देखेंगे और सुनेंगे, प्रभु अपने अनुग्रह में इनको ले ले, और ऐसा बलिष्ठ करें, ऐसा ताकतवर करें, ऐसी शक्ति इनको प्रदान करें प्यारे प्रभु जी, कि ये आपसे बल पा करके अपने जीवन में प्यारे प्रभु ऐसे मुस्तैद हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं कि शत्रु को रौंद सके, उसे कुचल सके, उसकी कोई भी चाल चलाकी प्रभु जी इनके जीवन में कामयाब ना होने पाए, उसका कोई भी ट्रैप, उसका कोई भी दांव इन पर ना चलने पाए, ऐसा ताकतवर आप इनको बनाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, यदि आज कोई ऐसा परिवार, यदि आज कोई ऐसा जीवन, यदि कोई आज ऐसी शख्सियत है प्रभु जी यहां पर, जिसके जीवन में शैतान दबका छुपका बैठा है, और प्रभु अपनी अपने इरादे पूरे करने की फिराक में है, उसकी सारी चाल चालाकियां यीशु मसीह के नाम से डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, और प्रभु बीमारी की चालाकियां, बेरोजगारी की चालाकियां, शैतान के सारे दांव जो वो चला सकता है, सब यीशु के नाम से मैं खत्म होने की आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं आपके अनुग्रह को आपके लोगों में खोल देता हूँ, आपका वो अनुग्रह जो आपकी ओर से इनके लिए शांति लाता है, प्रेम लाता है, स्नेह लाता है, ताकत लाता है, विजय लाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमार चंगे किए जाएं, जीवन आजाद किए जाएं, और प्रभु यीशु मसीह की शांति पाकर के लोग, अनुग्रह पाकर के अपने जीवन में प्रभु ये लोग, ये कलीसिया प्रभु जी अपने जीवन में शैतान को रौंदने वाली बन जाए, क्योंकि प्रभु जी हमने जान लिया है
कि सारा संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम उस दुष्ट को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, हम उसे रौंद सकते हैं, उसे बांध सकते हैं, क्योंकि हमने आपने हमें बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। हम पब्लिक को आजाद कर सकें और शत्रु को बांध सकें, ऐसा अनुग्रह प्रभु जी आपने हमें दिया है, ऐसा पावर अथॉरिटी आपने हमें दिया है। अब ये हमें से बह निकले पूरे देश दुनिया के लोगों के उद्धार और छुटकारे के लिए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। कृपया करके आप लोग इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाइए। शालोम उन्हीं।